गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो और बताइए आप सब कैसे आए हो। आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, जबरदस्त होंगे, मन से कुछ करते हुए व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी है, जो कि रात का टाइम 10 बज गया है और रात में क्या बना रही है, पूरियाँ बेल रही हैं और पूरी लगता है छानेंगी। तो गाइज ये जो मोबाइल है ये कौन सा एंड्रॉयड वाला है, जो जिससे हम लोग पहले ब्लॉग शूट कर चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन सा मोबाइल लिया है, कौन सा नहीं लिया है। आईफोन लिए ये तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन कौन सा 13, 14 प्रो मैक्स, 15, 15 प्रो मैक्स और 12 कौन सा, वो सब आप लोगों को ब्लॉग के एंड तक जुड़े रहेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे मम्मी पूरी उड़ी बेल रही है, और जो कि आर ओ को सिर्फ मम्मी एक छोटा सा काम बोली कि ये जो ये यहाँ पे कचरा है उसको उठा दो। तो आरो उसको बोला बहुत थक गया हूँ, पढ़ के आया हूँ, लिखा हूँ इतना, और मैं बोला दिखाओ कि ना लिखो, बस मुश्किल से 5 पेज और बस पेज। और जो स्कूल में लिखा है वो क्या स्कूल में लिखा है, स्कूल में भी गाइस बस 1-2 पेज मान लो 6 हाँ, पूरे उसको देखे? नहीं देखा हूँ, फिर भी कितना होगा, 10 पेज होगा। बहुत ये बोलता है गाइस, बहुत बोलता है, यहाँ पे स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, घर का काम, बाहर का काम करके, घर का काम, बाहर का काम, घर का काम कौन सा करते हैं ये बताओ पहले मुझे। कितना भी कर लो गाइस, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं, फिर गुस्सा। अच्छा घर का काम कौन सा करते, कुछ नहीं किया बताना, मैं कुछ नहीं किया। सब्जी लाते हो कि खाना बनाते हो कि अब नाश्ता बनाते हो, क्या करते हो बोलो? कुछ नहीं करता। घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं करता गाइस। झाड़ू करते हो कि पोछा करते हो? करता नहीं झाड़ू, कभी कभी झाड़ू मार दिए, कभी कभी। हाँ तो कुछ नहीं करता गाइस, चाय और नमकीन दोस्त सब कुछ ले लिया हूँ। गाइस लेट हो गया इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है मतलब की 7 बजे एकदम करेक्ट फिर गेट बंद हो जाते हैं, फिर कभी कभी तो मार खाने को मिल जाता है, तो इसलिए डर की वजह से फटाफट निकलो गाइस, फटाफट से चाय पी के तब मैं निकल रहा हूं। A few moments later. तो हे गाइस हो चुका है यहाँ पे कितना, घड़ी में बज चुके हैं 10 और आज मेरा मतलब कि क्या है, स्कूल में 21 तारीख तक वो है मेरा हाफ डे, मुझे पता नहीं था हाफ डे आज, और मैसेज भी नहीं आया था, तो मुझे लगा नहीं ये फुल डे होगा। तो मम्मी टिफिन बना के सुबह सुबह, जैसे आप लोगों ने देखा था ब्लॉग में, टिफिन बना के दे दी थी और रिसेस भी नहीं हुआ, तो हाफ डे में ही छुट्टी हो गया। फिर मम्मी आई बोली क्या हुआ, तो मैं बोला टिफिन खा लिया हूँ। ये रेसस तो गांव वाला भाषा हो गया क्या? रेसस तो गांव में, रेसस नहीं रिसस, रिसस लंच इंग्लिश मीडियम से बोलते हो, रिसस बोलते हो, यही बोलते हैं सब यहाँ पे, रिसस ही बोलते हैं हर स्कूल। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, लंच बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कि मम्मी अपना सुबह का नाश्ता बना रही है क्या? सुबह का नाश्ता क्या बना रही है, एक बार तुमको टिफिन बना के दिए, बारों के लिए टिफिन बना रही हूँ। घुघरी सुबह ही बना दी थी गाइस, नमक मरीच का इधर देखिए, और पराठा ऐसे सांत के रख दी थी, क्योंकि बगैर नहाए मैं किचन में खाना बनाती नहीं हूँ। तो केवल आर्यन के लिए सुबह 2 पराठा सेक के बकिया सब ऐसे रख दी थी, नहा के फिर पूजा वूजा करके, तो मैं सोची कि अब खाना बनाती हूँ, नाश्ता पूजा करके तब फिर चाय नाश्ता की गाइस। लेकिन हमने कुछ ब्लॉग नहीं शूट किया है, और इधर आर्यन आ गए हैं जल्दी से, अब आरओ के लिए हम टिफिन तैयार कर रहे हैं। टिफिन तैयार करने का सोच रही हूँ, आरओ को स्कूल जाने से पहले आज हम अपने मोबाइल आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा मोबाइल लिया है गाइस, और आप लोग ये भी बताइएगा कि हमने अच्छा है कि नहीं है। जल्दबाजी में आर्यन का एक्टिंग भी बताऊंगी कि आर्यन कैसे बोल रहा था कि मम्मी ले लो ले लो, आरो है तभी तो मैं बताऊंगी, नहीं आरो चला जाएगा किसको पकड़ के बताऊंगी। देखिए अभी मैं पराठा घुघरी और पराठा बना रही टिफिन के लिए, लेकिन अब आरो बोल रहा है कि मैं लेके नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर देखिए उनका मन है कि मैगी खाने का, ये लोग टमाटर प्याज वाला मैगी नहीं खाते हैं, तो ये सादा मैगी गाइस मैं इन लोग को बना के उसके टिफिन के लिए दे दे रही हूँ। उधर घुघरी और पराठा दे हूँ, नाश्ता कर रहे हैं, और गाइस इसी बीच उन आरओ का वो खत्म खराब हो गया था ना, स्कूल के पैंट का चैन खराब हो गया था, लेके गई थी बनवाने के लिए, तो काफी समय लग रहा था, तो मैं आ गई देख के पैंट, मैं बोली 10 मिनट में बना के दे देना, क्योंकि काफी समय हो गया, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो आई तो देखिए अभी तक नाश्ता ही नहीं किया था, तो इधर
कपड़ा नहीं पहना है इसके लिए मैंने निकाल रही हूँ। तो ये सोच रही थी कि स्कूल जाने से पहले मैं अनबॉक्सिंग कर देती हूँ, दिखाती हूँ कि हमने कौन सा फोन लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब हारो अभी तक खाना नाश्ता ही कर रहा है क्योंकि उसको स्कूल के लिए भी निकलना है और अभी तक ड्रेस भी नहीं पहना है। तो जैसे कि आप लोगों को बताने वाले थे हम लोग कौन सा आईफोन लेने वाले हैं, लेने वाले नहीं ले लिए हैं। अब आर्यन जानते हैं गाइस कैसे कर रहा था, कहीं भी बैठे रहती थी। जैसे अब जानते हैं कि शादी विवाह का घर था, सब लोग इकट्ठा थे। मम्मी यहाँ आओ ना, एक मिनट सुनो ना। मम्मी यहाँ आओ ना, एक मिनट सुनो ना। मुझे इतना गुस्सा आता था कि पूछो मत, इतना गुस्सा आता था। बस एक मिनट सुनो, चिल्लाना मत, कुछ बोलना मत। मम्मी यहाँ आओ ना, एक मिनट सुनो ना। मेरी बतिया क्यों नहीं मानती हूँ मम्मी, मेरी बतिया क्यों नहीं मानती हूँ मम्मी। सोचते सोचते तो सारी एक दिन रह गया। तो बोला है आज नहीं लोगी तो मैं कुछ भी हमको धमकी देता है कि आज नहीं दोगी तो हम वीडियो वीडियो कुछ शूट नहीं करेंगे, अपना करना रहेगा फनकार। सही बात है कि नहीं? हाँ। कैसे कर रहा था मम्मी? सुनो ना, एक मिनट सुन लो ना। इनकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करती हूँ, ये मेरे ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बोली भाषा में भी बहुत वो होता है कि इससे अच्छा मैं अकेले रहूँ चलेगा, लेकिन कम से कम इनके लिए इतना सब कुछ करो, इन्हीं का बात मानो, सब कुछ करो। इनको मेरी खुशी का कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इनकी खुशी के लिए इतना महंगा मोबाइल ले लूँ। गाइस मेरी ये शौक नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी, इन्हीं का डिमांड था कि मम्मी ले लो ले लो ले लो। तो मैं बोली चलो जाने दो, इतने दिन से बोल रहे हैं तो मैं ले लूँ। तो गाइस ये रहा, दरवाजा बंद करो, बाहर से आवाज आ रहा है। सो गाइस देखिए ये जो है मोबाइल का डब्बा है, अभी इसको दिखाऊंगा। इसके अंदर मोबाइल, इसमें मोबाइल है कि नहीं गाइस? आप लोग गेस करिए मोबाइल है कि नहीं। जाओ तो यूनिफॉर्म पहन के आ जाओ जल्दी से स्कूल। लेकिन आप लोग ये देख के बताओ खाली कौन सा मोबाइल हो सकता है, ये आप लोग ये देख के बताओ फटाफट कमेंट में करो कौन सा हो मोबाइल। जब वीडियो देखेंगे तभी तो कमेंट करेंगे। बहुत सारे लोग डब्बा देख के पहचान जाते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए इसको डब्बा खोलो खोलो। गाइस पहले से अनबॉक्सिंग हो चुका है इस मोबाइल का, आप लोग को दिखाने के लिए मम्मी फिर पैक करवाई है। तो आप लोग देखिए व्हाइट कलर, जिस समय मैं गया था उस समय से व्हाइट कलर अवेलेबल था। तो यहाँ पे देखिए ये जो कि वैसे व्हाइट कलर अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं बता दूँ आप लोगों को कौन सा मोबाइल है, आईफोन 14 है। 14 तो मतलब कि क्या 14 प्रो के लिए, मतलब कि 14 प्लस के लिए सोचा था लेने के लिए, पर उस टाइम पे जो अवेलेबल था वही मैं लेके आ गया। घाई घाई में गया था, किसी दूसरे काम से गए थे लेकिन वो काम भी हो गया। तो गाइस ये आईफोन 14 सही है कि नहीं सही है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको चेंज भी कर दूंगी। चेंज कर दूं होता है ना, लेकिन कुछ पैसे कटेंगे। नहीं अगर आप मोबाइल खरीद के लेके आओगे बाहर से फिर जाओगे अंदर ना, फिर तो ऊपर भी 1000 कम देंगे। 1000 कम देंगे तो इसका बिल वगैरह सब गाइस पता नहीं है आर्यन कहाँ रखा था, जेब में हमको पता भी नहीं है। ये क्या है? एयरबड है। अच्छा, तो इसके साथ ये भी लेके आए थे गाइस। हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, बोलेंगे कि अनबॉक्सिंग किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या करें। हमारे पास जो सुविधा है उसी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा आईफोन 14 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिएगा अपने पूनम दीदी को। ले तो लिए हूँ, देखो आर्यन मेहनत करता है कि नहीं, क्या करता है अब समझ में नहीं आता। अगर से ये साथ देगा तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बाकी तो भगवान हमारे भोलेनाथ हैं, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और ये कवर हमने लगा लिया है, आज हमने ओपन कर लिया। और ये कितने का आईफोन 14 आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिसको पता है उनको तो रेट पता है। और ये हमने लिया है EMI पे लिया है कि कैश लिया है, ये भी आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने कैश लिया है कि EMI पे लिया है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग।